हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोस्के और फ्रेश एपिसोड में, जहां मैं आपके लिए लेके आया हूं टेक्नोलॉजी की दुनिया से बहुत सारी मजेदार खबरें। सो ज्यादा देर नहीं करते हुए लेट्स गेट टू द वीडियो। आई एम हर्ष फ्रॉम टेक्निकमा। आज का हमारा सबसे पहला अपडेट हमको मिलता है रेडमी की तरफ से। रेडमी के K20 और K20 प्रो में हमें अब से MIUI 12 का अपडेट मिलना शुरू हो चुका है, स्टेबल वर्जन का अपडेट मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन क्या फ़ायदा, क्योंकि वो पूरा का पूरा बड़ा होगा एडवर्टाइजमेंट से। मैं भी पहले ज़्यादा पसंद करता था MIUI, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता था कि ऑप्टिमाइज UI था तब के ज़माने में, जब उसमें एडवर्टाइज नहीं आती थी और बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते थे। जो भी फीचर्स उन्होंने दे रखे थे बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन जब से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट अंदर इंट्रोड्यूस की है, मतलब पूरा अनोइंग हो गया है। जहाँ देखो वहाँ एडवर्टाइज। ऐसे में आप मुझे बताइए क्या सोचते हैं आप MIUI के जो एडवर्टाइजमेंट का ये उन्होंने फीचर नया लाया था उसके बारे में। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बात करते हैं एयरटेल के बारे में। एयरटेल भी जियो की तरह ही अपना खुद का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन वो फिलहाल सिर्फ अभी एंटरप्राइजेस के लिए ही लिमिटेड होगा। अगर ये ऐप ज़्यादा चलेगा तो ही वो रेगुलर कस्टमर्स को भी ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अभी जो हाल में साइबर सिक्योरिटी का बोलबाला चल रहा है कि अपना डेस्क का डेटा अपना डेस्क में ही रहना चाहिए, इसी के चलते एयरटेल भी अपना खुद का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को लाने वाला है, जिसमें आपके डेस्क का डेटा रहेगा आप ही के डेस्क में और साइबर सिक्योरिटी रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज। लेकिन फिर भी जब आएगा तभी मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करो तो बात करते हैं TSMC के बारे में, जो कि है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उन्होंने ग्लोबली मार्केट का 51% एक्वायर कर लिया है, जो कि हम बना रहे स्मार्टफोन के प्रोसेसर, कोई भी प्रोसेसर ले लो, लैपटॉप के प्रोसेसर ले, सारे प्रोसेसर जो 51% है वो TSMC ही बनाती है। सैमसंग का सिर्फ 18% है। इसी के साथ दूसरी भी सारी कंपनियां लाइन में लगी हुई। इनफैक्ट अभी जो आईफोन का भी 5 नैनोमीटर बेस पे आने वाला है बायोनिक A14, वो भी TSMC ही बनाने वाली है। इसी के साथ वो अभी उन्होंने ये भी प्रेस रिलीज जाहिर किया है कि वो 2023 तक 4 नैनोमीटर बेस पे भी प्रोसेसर ला देगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बात करते हैं इंस्टाग्राम के बारे में। इंस्टाग्राम भी जो अपना रील्स करके एक फीचर है, जो कि टिकटॉक जैसा ही है, 15 सेकंड की वीडियो आप बना के अपने फॉलोअर्स में सेंड कर सकते हैं, वो बैकग्राउंड म्यूजिक वाला सारा फंडा एक जैसा ही है, वो अभी तक ब्राज़ील में ही टेस्ट कर रहा था। लेकिन इंडिया में भी कई सारे यूज़र को हाल ही में उसका अपडेट देखने को मिल रहा है, यानी कि हम सबको भी बहुत ही जल्दी अपडेट मिल सकता है। और मेरे ख्याल से ये टिकटॉक के कंपेयर में आ सकता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के फॉलोअर इतने ज़्यादा होते हैं और उनको टिकटॉक अभी बैंड हो गया हो, तो रील्स पे स्विच करना इतना आसान रहेगा उनके लिए कि आप क्या बताओ। ऐसे में आप मुझे बताइए क्या इंस्टाग्राम को ऐसा कोई फीचर इन ऐप में ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए या फिर उसके लिए एक अलग से सेपरेट प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। वैसे मेरा तो यही मानना है कि इसके लिए अगर इंस्टाग्राम ये चाहता है कि ऐसा हो तो उन्होंने उनको एक अलग ही प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। हाँ, उसमें आप दिखा जरूर सकते हो IGTV की जैसे IGTV का एक अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो उसमें दिखाता भी है इंस्टाग्राम की फीड में। वैसे ही आप रील्स का भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक अलग प्लेटफॉर्म रहेगा तहाँ तक अच्छा है, क्योंकि पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग ये सब अलग प्लेटफॉर्म पे होगा, तो एक एप्लीकेशन पे इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और कन्फ्यूजन भी थोड़ी सी कम रहेगी मेरे ख्याल से। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बात करते हैं DuckDuckGo के बारे में। एक गूगल के जैसा ही एक सर्च इंजन है, जिसको जब इंडिया में 59 एप्लीकेशन बैंड हुई थी चाइनीज एप्लीकेशन, तब कई सारे यूज़र ने ये रिपोर्ट किया कि उनके नेटवर्क पे DuckDuckGo को ब्लॉक दिखा रहा है, जिसमें एयरटेल आ जाता है, जियो आ जाता है, वोडाफोन आ जाता है। और कई सारे लोगों ने ट्विटर रीडर पे बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट शेयर किया, DuckDuckGo भी इनको को भी इन्फॉर्म किया, जिसमें वो लोग बता रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको ब्लॉक किया है, ऐसा उसमें बता रहा है। लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसा DuckDuckGo का भी एक रिप्लाई आया था, क्योंकि ये चाइनीज एप्लीकेशन भी नहीं है और काफ़ी अच्छा एक सर्च इंजन भी है, सो अनब्लॉक हो जाएगा लेकिन थोड़ी सी देर लगेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करो तो बात करते हैं एलिमेंट्स, एक ऐप है जो कि इंडिया बेस्ड कंपनी ने बनाया है फेसबुक को टक्कर करने के, सोशल मीडिया ऐप है जिसपे वो वन स्टॉप सॉल्यूशन बता रहा है अपने तरफ से। उसको कल लॉन्च कर दिया है, लॉन्च भी किसके हाथों करवाया, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट एन वेंकैश नायडू के हाथों करवा दिया है। और ये ऐप बेसिकली वो बता रहा है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा आपके सारे सोशल मीडिया के ऐप्स का, मतलब फेसबुक को भी टक्कर देगा, साइड वी चैट को भी टक दे, मतलब आप इसमें चैटिंग कर सकते हो, फेसबुक की तरह आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो, और उसमें जो सिक्योरिटी रहेगी वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेगी। इसी के साथ इसके सारे डेटा इंडिया के ही सर्वर में स्टोर हो गए, ऐसा वो लोग बता रहे हैं। और जब प्ले स्टोर पर आया सबको पता चला, ट्विटर पर उन्होंने प्रेसिडेंट्स के हाथों ऐप का लॉन्च करवाया तो ऑफिस सबको पता चलेगा, और 5 लाख डाउनलोड ऑलरेडी हो भी चुके हैं।
मतलब अभी तक हमने डाउनलोड नहीं किया, लेकिन करेंगे कभी, जरूर लगेगी तब। आप भी अगर आपको इंटरेस्टेड हो चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अभी जब मैं एलिमेंट्स ऐप को प्ले स्टोर पर चेकआउट कर रहा था, मैं क्या देखता हूँ, नीचे रिकमेंडेशन में मुझे टिकटॉक दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा यार देख लेता हूँ क्या है, वापस प्ले स्टोर पर आ गया क्या। तो मैंने ओपन किया तो सच में उधर जा रहा था, तो फिर मैंने सेपरेटली टिकटॉक को सर्च किया तो उस लिस्ट में टिकटॉक मुझे नहीं दिखाई दिया। फिर मैं वापस अगर एलिमेंट्स में जाता हूँ या फिर आप सो करके एक एप्लीकेशन है टिकटॉक का ही बेसिकली कॉपी है, उस पर अगर जाता हूँ तो उस पर भी मुझे टिकटॉक रिकमेंडेशन में दिखाई देता है। मुझे लगा यार गवर्नमेंट ने वापस टिकटॉक ला दिया, कल मेरे को डाउनलोड नहीं होता होगा। तो फिर मैंने डाउनलोड करने की ट्राई की, डाउनलोड भी स्टार्ट हो चुका था, मतलब फिर मैंने पूरा डाउनलोड नहीं किया, मैं अपना टाइम नहीं बिगाड़ना चाहता था उस पर। लेकिन मेरे ख्याल से सर्वर ब्लॉक है, लेकिन प्ले स्टोर पर अभी भी एप्लीकेशन है ऐसे ही। मुझे लगा था कि शायद हमारी कंट्री के लिए ब्लॉक हो चुका होगा या फिर प्ले स्टोर से ही हटा दिया गया होगा इंडिया के लिए, लेकिन फिर मैंने टिकटॉक की जो कंपनी है उस पर जाके देखा कि उनके कितने ऐप है। उनके दो एप्लीकेशन बेसिकली दिखाई दे रहे थे, एक टिकटॉक एक टिकटॉक वॉलपेपर करके, उसमें बता रहा था कि वो आपके कंट्री में अवेलेबल नहीं है। भाई साहब मतलब इसको भी कर लो, आपके कंट्री में अवेलेबल नहीं है, प्ले स्टोर वाला सुन रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, कर लो ठीक यार, अभी नहीं चाहिए हमको ये एप्लीकेशन। अभी नेक्स्ट न्यूज़ की बात करो तो बात करते हैं वन प्लस नोट के बारे में। वन प्लस नोट इंडिया में आने वाला है July 21 को। अभी देखने की बात यह है कि ये हमें जो रेंडर अभी तक आ रहे थे उसके जैसा ही डिवाइस है या फिर हमें कुछ और देखने को मिलता है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ पहले कौन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।